नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज को कटोरी वाला कैसे बनाना है और उसमें पप कैसे लगाने हैं। तो देखिए, मैंने ये पप लिए हैं। तो जितनी चेस्ट के आपको पप लगाने हैं उतने ही चेस्ट के आपको पप लेने हैं। तो मैंने 38 चेस्ट के पप लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो सादा ब्लाउज की कटिंग की है तो इसमें क्या किया है कि चेस्ट तो हमारी 36 है, लेकिन हमने यहाँ पे जो गुंजाइश ली है वो 2 इंच की ली है। यहाँ पे 2 इंच की गुंजाइश ली है और नीचे की साइड हमने कमर की साइड है वो हमारी 4 इंच की गुंजाइश है। अब सबसे पहले हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट का निशान कैसे लगाएंगे, इसको हमें पहले बराबर करके रखना है जो हमारा गला है। पहले आप गुंजाइश पे ध्यान दें, गुंजाइश आपको ज़्यादा लेनी है जब भी फ्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग होगी। अब देखिए, जैसे हमारा ये ब्लाउज है तो हमें इसी के बराबर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कितने पे कट लगा हुआ है, जो निशान है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पे निशान लगा हुआ है। आसान और सरल तरीका। अगर मैं आपको कहूंगी कि 6 इंच पे निशान लगा लीजिए, 4 इंच पे लगा लीजिए, लेकिन जिसका ब्लाउज है कस्टमर का उसके हिसाब से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पे निशान लगा हुआ है। तो 5.5 इंच को हम इस तरीके से डबल करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा ये निशान आ जाएगा। ये निशान आ गया। अब इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसको हमें एक शेप में इस तरीके से हमें शेप में लेना है इस तरीके से। अब ये हमारा शेप हो गया। अब जो हमने यहाँ पे गुंजाइश ली है और हमें पप भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 2 इंच और इसको देखिए हम ऐसे करके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो हमें ये 2 इंच का कपड़ा काटना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे भी ये कट लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसे जुड़ा रखा है। अब यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है उसको भी काट लेंगे। अब देखिए हमारी ये सिलाई लग गई। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब कमर का आप चेस्ट का नाप लेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो जैसे 36 इंच का हमारी 36 इंच की चेस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 1.5 इंच कपड़ा है, 10.5 इंच है, और नीचे की साइड भी इसी तरीके से देखिए 10 इंच है। अब हमें देखिए छोटा बड़ा हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हमें बराबर करना है इस तरीके से, ये ज़रूरी है। अब बराबर करने के बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे पप। पप के लिए मैंने दूसरा स्थल कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस पे भी सिलाई लगा लें, 3 इंच पे निशान लगाएंगे इसमें। यहाँ पे लेंगे हम 2 इंच। अब इसको हम जोड़ेंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें पप लगाएंगे। तो देखिए जैसे इसका जैसा ये ब्लाउज है उसी के बराबर हमें पप लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे का जो पल्लर है शोल्डर पे ऐसे निशान ऐसे देखना हमें इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 7 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 8 इंच पे लगा लेंगे, ऊपर भी जाएगा ना सिलाई में।
इस तरीके से, क्योंकि जिसका जैसा लगा है पप हमें उसी तरीके से लगाना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से लगा है, इसमें यहाँ पे बीच में एक सिलाई है, इसमें जो यहाँ पे गोल गोल सिलाई लगाते हैं वो नहीं है, क्योंकि जिसका जैसा ब्लाउज है उसी तरीके से हमें लगाना है। तो अगर आप गोल गोल सिलाई लगाना चाहें तो इस तरीके से भी मैंने बताया है, तो आप प्लीज चैनल में जरूर देखें। ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेलरिंग इन हिंदी चैनल, आप उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो, फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पप को रखना है बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया है ना, इस तरीके से रखेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से लगाना है। देखिए हमारे पप लग गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आगे का पल्लर है इसके ऊपर हमें ऐसे रखना है और फिर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें बीच में एक सिलाई लगानी है, इससे क्या है कि बराबर आना चाहिए। अब देखिए हमने बीच में सिलाई लगा ली, अब ये पप को हम इस तरीके से करेंगे। अब हम पूरे पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसके बराबर अस्तल की कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। अब देखिए हम यहाँ पे गले पे क्या करेंगे, इसको हम खोल लेंगे सिलाई को, क्योंकि ये बुकरम का बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो ये पप लगाने के बाद भी गला बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसको अंदर की शर्ट दबा के फिर तुरपाई कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या एक ही अस्तल है ना, तो इसको हम अंदर की शर्ट दबा देंगे इस तरीके से। अगर हम पप लगाते तो शायद इतना अच्छा गला नहीं आता, क्योंकि पप लगाने के बाद फिर यहाँ पे फूला फूला सा हो जाता है। तो यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे अंदर की साइड अस्तल को दबा के, और नीचे की साइड पट्टी लगा लेंगे। अब देखिए हम ये कच्ची सिलाई को हटा देंगे, क्योंकि अस्तल को हमने जोड़ा ना इसलिए हमने सिलाई लगाई। अब ये कच्ची सिलाई को हटा देंगे और गले पे हम तुरपाई कर लेंगे, तो नीचे की साइड भी पट्टी लगाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि मैं ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रही थी तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर करें, और कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।